हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राक्षी और सौंदस क्यों लड़ रहे हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट कि आकाश लीना ने ना क्लेम किया है दैट कशिश भी आइडियल मैच बनने के बाद काफ़ी खुश थे। इस बारे में आकाश लीना ने क्या बोला है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देन साक्षी ना अगले डोम में तारा के साथ में है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या उन्होंने जस्टिन को चीट कर दिया है, ये भी डिस्कस करेंगे। एंड अभी हामिद वर्सेस कशिश चल रहा है, तो उसके बारे में भी अपन लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अभी ना आकाश लीना और कशिश एक आइडियल मैच बन गए हैं, तो उसके बाद महक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा एंड उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं। प्राक्षी उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी, उस टाइम पे ना सौंदर्य और आकाश लीना आ जाएंगी, तो आकाश लीना अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए बोलेंगी दैट मैंने थोड़ी ना ओरेकल को बोला था कि हमें एक आइडियल मैच बना दे। एंड सौंदर्य भी महक को समझाने लगेंगी, जिस बात पे ना प्राक्षी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी एंड शिविल से कि हर जगह ज्ञान देना होता है इन्हें। इसके बाद आकाश लीना, सौंदर्य एंड प्राक्षी एंड महक की ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी एंड वो लोग आगे कभी भी साथ में हमें एज अ फ्रेंड देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद ना MTV वालों ने एक वीडियो डाली थी जिसमें कशिश बोलते हुए देख रहे हैं कि मैं आकाश लीना के साथ में हैप्पी नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने महक को प्रॉमिस करा था, दैट्स व्हाई आई एम सैड। यही वाली वीडियो ना आकाश लीना ने अपनी स्टोरी में डाला था, उसमें लिखा था लिसन, विच मीन्स शी इज ट्राइंग टू से कि जो कशिश है ना वो भी आइडल मैच बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश थे बट ही वॉज डूइंग एक्टिंग। एंड आकाश लीना ना ये भी बोल रहे हैं कि कशिश सिर्फ दुखी होने की एक्टिंग कर रहे थे बल्कि वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड उनके फैन पेजेस वगैरह ने भी ये सेम चीज़ क्लेम करी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। देन अभी ना साक्षी और जस्टिन के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, जिसके बाद में साक्षी जस्टिन से बोलेंगी दैट शी डोंट ट्रस्ट हिम एनी मोर एंड वो लोग अभी एक आइडियल मैच भी नहीं है ना, तो साक्षी स्विच करना चाहती है मोस्ट प्रोबेबली, बट थोड़े टाइम बाद उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि वो गलत है एंड शी विल पेयर अप विद जस्टिन अगैन एंड वो सारी चीज़ें ना सॉर्ट आउट कर लेंगी, क्योंकि एक डेट के दौरान जस्टिन और साक्षी को साथ में देखा गया है। अभी भी ना जस्टिन और साक्षी रिलेशनशिप में मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑल्सो ना उनकी और तारा की लड़ाई भी चल रही है काफ़ी ज़्यादा। अभी ना तारा ने एक स्टोरी ऐड करी थी जिसमें लिखा हुआ था कि साक्षी ने ना गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, पहले वो जस्टिन के लिए रो रही थी लेकिन तारा के आने के बाद उन्हें जस्टिन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा एंड उन्हें ट्रस्ट इशूज़ हो गए। देन महक और कशिश के फैन पेज ने ना एक स्टोरी डाली थी जिसमें लिखा हुआ था कि आकाश लीना एज अ होम ब्रेकर, तो आकाश लीना के फैन पेज ने एक स्टोरी डाली थी कि उसमें होम ब्रेकर वाली कौन सी बात है, महक कशिश इज नॉट मैरिड एंड इट इज़ अ गेम शो। आकाश लीना खुश थी तो उन्होंने अपनी खुशी दिखाई, कशिश भी कहीं ना कहीं खुश थे पर वो अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो महक को हर्ट करना नहीं चाहते थे। ऑल्सो अभी हामिद वर्सेज कशिश चल रहा है, तो आप इन दोनों में से किसे सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।